राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के इतिहास में देश में पहली बार मंदी छाई है, भारत की ताकत को मोदी जी ने कमजोरी में बदल दिया। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता मोहित जैन और बीजेपी के नेता अरुण जाट, देखिए क्या कहते हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है कि भारत में ऐसी मंदी छाई है जिसने भारत की ताकत को मोदी सरकार ने कमज़ोर कर दिया है। बिल्कुल मैं कथन से सहमत हूँ साथियों, क्योंकि जब लॉकडाउन था, नौकरियां जा रही थी, तब एक 20 लाख करोड़ का जुमला दिया गया था भारत की जनता को, जिसमें मैं नरेंद्र मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, किसी भी एक भी भारतीय को अगर 20 रुपए मिले हो तो मुझे आप बताइए कहाँ गए वो 20 लाख करोड़। साथियों मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बोला था कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, क्या हुआ? 10 करोड़ नौकरियाँ चले गई, देश के नौजवान बेरोजगार हो गए, आज पकौड़े तल रहे हैं, चाय की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। आपने नौकरी देने के बजाय उनसे नौकरी छीन ली गई। आप अमेरिका में जाके बोलते हो अब की बार ट्रंप सरकार, क्या हुआ? ट्रंप तो हर गए है, हमारे संबंध अमेरिका से ख़राब कर दिया आपने। आज आदमी नौकरी मांगता है, आप बोलते हो हिंदू मुस्लिम करो, आप राम मंदिर बनाओ, बिल्कुल बनाओ, मैं सहमत हूँ, आप राम मंदिर बिल्कुल बनाओ, बट सबसे पहले इंसान की ज़रूरत है नौकरियाँ, उसका पालन पोषण नौकरियों से होगा। जब लॉकडाउन में नौकरियां चली गई, जब बेचारे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार ने एक सपनों का घर लिया था, उसकी किस्त भरने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी नौकरियां चली गई थी, आपने उसको किस्त में 1 रुपये की छूट नहीं दी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी, आपने देश के युवाओं के साथ, मध्यम वर्गीय परिवार के साथ छल किया है। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट तो दे दोगे नरेंद्र मोदी सरकार को, पर जिस दिन आपके पास नौकरी नहीं होगी, घर में खाने को नहीं होगा, तो आपको नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल करना पड़ेगा कि वो 20 लाख करोड़ कहाँ गए जो लॉकडाउन में आपने दिए थे। साथियों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसी मंदी छाई है कि पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, फैक्ट्रियों में नौकरियाँ नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आदमी कर्ज के बोझ तरह दब रहा है, सुसाइड कर रहा है, और किसान की आप बात करते हो, किसान को हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज माफ़ किया था, आपने झूठ बोला, झूठ बोल के सरकार बनाई। मैं चाहता हूँ कि देश नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब दे। आज राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया जिसमें वह देश को कमज़ोर और कमजोरी में बदलने का कारण नरेंद्र मोदी जी को बता रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी, आपका थोड़ा सा गणित वीक है। कोरोना जैसी विश्वव्यापी इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी बीमारी से इतनी सरलता से अगर अपना देश उभरा है तो उसका कारण है नरेंद्र मोदी जी। आर्थिक मंदी का कारण, आर्थिक मंदी ऐसा नहीं है कि अपने भारत देश में ही छाई है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई है, उसका प्रमुख कारण कोरोना भी है। पर आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी आज हमारा देश संभल है, हमारा देश डट के इस बीमारी का मुकाबला करके और आज पुनः अपन उसी वापस पटरी पर अपना देश की अर्थव्यवस्था आ रही है, तो उसका मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी जी। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि आप लोकप्रियता पाने के चक्कर में देश के जननायक और जन जन के लाडले श्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी कहने से पहले अपने सलाहकारों की, राहुल जी एक बार सलाह जरूर ले लीजिए करिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।